हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पीसीआई ने एक सर्कुलर निकाला है डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, तो आज की वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग देखेंगे। उस सर्कुलर में क्या आया हुआ है उसका हम डिटेल्स देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन निकला है, क्या सर्कुलर है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से है। 22 तारीख को निकला है, आज ही निकला है ये सर्कुलर। इसमें क्या लिखा है, एग्जिट एग्जाम ऑफ डीफार्म कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022। फिर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें लिखा है, दिस इज अ सर्कुलर टू कनेक्ट द इन्फॉर्म काउंसिल गोइंग टू कंडक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम इन जुलाई सेप्टेम्बर 2024। देखा, एग्जाम डेट ऐसे तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब किस महीने में हो सकती है, जुलाई और सितंबर के बीच में होगी, जुलाई और सितंबर के बीच में होगी। एकेडमिक सेशन क्या है, 22-24। जो लोग 22 की एग्ज़ाम 22-23 में एग्ज़ाम दिया है, उन लोग के लिए ये एग्ज़ाम है। डीफार्म कोर्स कौन कंडक्ट करेगा, एन वी ई एम एस कंडक्ट करेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस। ये बोर्ड आपका डीफार्म एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। एग्जैक्ट डेट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे क्या है, इन अबोव इट्स रिक्वेस्ट नॉट टू रजिस्टर द कैंडिडेट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हु हैव एडमिटेड इन 22-23 एकेडमिक सेशन। जो 22-23 में एडमिशन लिया है, उन लोग के लिए ये एग्ज़ाम है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको क्या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, है ना, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपको क्वालिफाई द एग्जिट एग्ज़ाम एंड फुलफिल द प्रिस्क्राइब कंडीशन टू द एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948। ये था पीसीआई की तरफ से सर्कुलर। तो आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जुलाई से लेके सितंबर महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जब क्या कोर्स से क्या आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, ये सब हम आपको बता देंगे वीडियो में, आप लोग अपडेट कर देंगे। थैंक यू।